दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमीट्रिप्टानिन ड्रग के बारे में। दोस्तों काफ़ी बार काफ़ी पर्सन्स के साथ में इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई भी दुकान दुकान हो किसी के, तो दुकानदारी सही नहीं हुई हुई हो, या फिर पैसे की कमी हो, या फिर बेटे की शादी की टेंशन हो, तो इस कारण उनको रात को नींद नहीं आती, या फिर कोई भी उनको बोलता है तो इरिटेशन बिहेवियर रहता है, कोई भी बोलता है तो एग्रेसिव बिहेवियर रहता है, हमेशा कभी भी खुश होके कभी किसी से बात नहीं करना होता है। तो ये साइन सिम्टम होते हैं उनके डिप्रेशन के या फिर एनजाइटी के। क्यों हो रहे हैं डिप्रेशन और एनजाइटी, हो क्यों रही है? उनके पैसे की दिक्कत है, या फिर जब कभी भी कोई भी टेंशन अपनी ब्रेन में आ जाती है तो उसके कारण ये सारे साइन सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। ये होते क्यों? क्योंकि अपनी ब्रेन में देखो केमिकल्स होते हैं, जैसे डोपामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, या फिर एसिटाइल सिस्टीन हो गया, तो इनका कभी भी अल्ट्रेशन हो जाए ब्रेन में, तो अल्ट्रेशन होने के कारण ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो इस डिजीज कंडीशन में काम में ली जाती है एमीट्रिप्टालिन ड्रग। तो दोस्तों ये एमीट्रिप्टालिन जो ड्रग मेनली यूज में ली जाती है एनजाइटी डिसऑर्डर में, या फिर किसी के भी डिप्रेशन हो उसमें ली जाती है। कभी कभार इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी काम में लिया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब किसी के भी डायबिटीज की शिकायत हो और उनके जो नर्व्स होती है ब्रेन से निकलती है, वो नर्व्स डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो दोस्तों जब किसी भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की शिकायत, तो उस डिजीज कंडीशन में भी एमीट्रिप्टालिन ड्रग दी जाती है। दोस्तों एमीट्रिप्टालिन ड्रग कभी भी नहीं देनी चाहिए उन लेडीज को जो प्रेग्नेंट हो, या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हो, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो बेबी को, उनको कभी नहीं देनी चाहिए। और जिस किसी के भी रीनल फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, या फिर लीवर फेलियर हो, उनको कभी भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स की अपन बात कर लेते हैं, तो साइड इफेक्ट्स नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन रह सकता है पेशेंट के, या फिर डायरिया रह सकता है, रात को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, इरिटेबल बिहेवियर हो सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है, तो डिप्रेशन, हमेशा शांत रहना हो गया, किसी से भी बात नहीं करना, ये सारे साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं ड्रग लेने के बाद भी। तो दोस्तों घबराए नहीं, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, अपने आप रिजोल्व हो सकते हैं जब भी इलाज खत्म होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।